पात्र राजकुमार सिद्धार्थ, मित्र देवदत्त, महाराज शुद्धोधन। राजकुमार सिद्धार्थ अपने मित्र के साथ महल के उपवन में टहल रहे हैं। आहा, आज उपवन कितना सुंदर लग रहा है। खिले खिले फूलों की सुगंध भी कितनी मनभावन है। उपवन में बहार आई हुई है राजकुमार, यह वसंत ऋतु का ही जादू है। मित्र संभल कर, तुम्हारे पांव के पास एक घायल पक्षी आ गिरा है। झुक कर, राजकुमार यह तो हंस है। गोदी में उठाते हुए इसके कोमल शरीर में तो बाण लगा हुआ है। बाण निकाल कर घाव को धो देते हैं राजकुमार। देखो तो मित्र कैसा घबराया हुआ है। आओ इसे अंजलि में पानी भरकर पिला देते हैं। इतने में सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त उपवन में आ जाता है। यह पक्षी मेरा है, इसे मुझे दे दो। कौन? देवदत्त, क्या तुमने इसे घायल किया है? कपिला नगरी में मुझे छोड़ और किसका निशाना इतना सही हो सकता है? हंस पर बाण अवश्य तुमने चलाया है, परंतु इसे मैंने बचाया है। यह मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। हंस तुम्हारा नहीं, मेरा है, इसे मैंने बचाया है। लेकिन इसका शिकार मैंने किया है। इस प्रकार से आपस में झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। राजकुमार, इससे तो अच्छा है कि हम सभी महाराजा शुद्धोधन के दरबार में चलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। महाराज बड़े न्यायप्रिय हैं, सही सही फैसला करेंगे। तीनों राजा के दरबार में पहुंचते हैं। सिद्धार्थ, तुम ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप को कभी भी अच्छा नहीं लगता। इस पक्षी को अपने बड़े भाई को दे दो। महाराज, इस पक्षी की तरफ से मैं न्याय की मांग करता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि इस पक्षी के प्राणों की रक्षा की जाए। हाँ महाराज, न्याय किया जाए कि यह पक्षी किसका है। आकाश में उड़ने वाले पक्षी और जंगल के जानवर उसी के होते हैं जो उन्हें पकड़ता या मारता है। न्याय से यह पक्षी मेरा है। महाराज, जो जीवन दे नहीं सकता उसे जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आकाश में उड़ने वाले भोले भाले पक्षी कुछ कह नहीं सकते, उनकी जान बचाना क्या अन्याय है? देवदत्त, तुम्हारा कहना भी ठीक है, परंतु पक्षी अभी मरा नहीं। प्रश्न उसके जीवन का है, पक्षी सिद्धार्थ का है। यह राजहंस आकाश में उड़ा जा रहा था, मैंने इसे तीर से मारा, यह घायल होकर भूमि पर गिर पड़ा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा को चिंतित देखकर मंत्री बीच दरबार में आ गए। महाराज, हंस किसका है? इसका निर्णय स्वयं हंस को ही करने दीजिए। हंस को बीच में छोड़ दीजिए, वह जिसके पास चला जाएगा उसको सौंप दिया जाएगा। देवदत्त और सिद्धार्थ कुछ दूरी पर खड़े हो जाते हैं। बीच में हंस को छोड़ दिया जाता है। मंत्री ने देवदत्त को इशारा किया, आजा। हंस डर से कांपने लगता है। सिद्धार्थ, अब तुम हंस को बुलाओ। बाहें फैलाते हुए, आ आ मेरे पास आ जा। हंस घायल पंखों को फड़फड़ाते हुए उसकी गोद में आ गया। लीजिए महाराज, निर्णय हो गया। राजहंस सिद्धार्थ को मिल गया। देवदत्त मुंह नीचे कर दरबार से बाहर निकल आया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर।